सर ऋषि भैया, दिल्ली NCR के नोएडा आश्रम के हार्टफुलनेस सेंटर में हैं आप, और एक वर्कशॉप के लिए आप इंटेंस अभ्यास के लिए आप वर्कशॉप करने आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कैसा आप देना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट पॉइंट है कि ऑडियंस उसको ले और अपने आगे बढ़े? सो व्हाट्स योर पॉइंट? थैंक यू सिस्टर। वर्कशॉप यहाँ पे बिकमिंग एन इंटेंस अभ्यासी की वर्कशॉप है, और हमने देखा कि जैसे मालिक कह रहे हैं कि कैसे हम पार्ट टाइम अभ्यासी से फुल टाइम अभ्यासी बने, कैसे हम अपने अपने ध्यान में तीव्रता लाएं, उसके प्रति चाहत बढ़ाएं, तड़प बढ़ाएं। तो इसके अगर हम बेस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अभ्यासी हैं, भाई बहन हैं जो ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान एक सक्रिय एक क्रिया है, इट्स अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस। अगर हम AEIOU देखें तो हम एक्वायर करते हैं कंडीशन, एनलेवन करते हैं, इम्बाइब करते हैं, वननेस करते हैं, उससे यूनियन करते हैं, फिर उसके बाद हम अगली कंडीशन में जाते हैं। लेकिन क्या हम अभ्यासियों को ऐसा महसूस हो रहा है? तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है अनुभव शक्ति, हमारी महसूसियत। तो पहला आउटकम है कि इस वर्कशॉप के दौरान हम अपने अंदर की उस ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी, उस अनुभव शक्ति, उस महसूसियत को हम बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे अंदर जो घट रहा है वो हमें महसूस हो और उसके प्रति हमारी एक चाहत बढ़े। तो पहला एक कर्म कि वी शुड प्रैक्टिस लाइक नेवर बिफोर। दूसरा, अब हमने ध्यान को सक्रिय कर लिया, हमारे अंदर वो कंडीशन आने लगी, हम खुली आंख से भी शायद वो कंडीशन अपने अंदर पैदा कर सकें, लेकिन क्या हमारी जीवन शैली ऐसी है कि उसको मेंटेन कर पाती है, या हमारी जीवन शैली ऐसी है कि जैसे उस चीज़ को हमसे हटा रही है, हम फिर से उस अंधेरे में जा रहे हैं। तो हमारी जीवन शैली कैसी हो, हम अपना चरित्र ऐसा कैसे बनाएं, हम ऐसा कैसे सोचें, कैसा बोलें, कैसा दूसरों के प्रति बर्ताव करें, कैसी सिचुएशन से हैंडल करें, तो हमारा चरित्र कैसा हो, मेकिंग आवर कैरेक्टर, मोल्डिंग आवर कैरेक्टर लाइक नेवर बिफोर, ये दूसरा ज्ञान। और तीसरा भक्ति, हाउ कैन वी बिकम डिवोटेड लाइक नेवर बिफोर, कैसे हम उसके प्रति अपना डिवोशन बढ़ाएं, वो तीसरा पार्ट, हाउ टू बी डिवोटेड लाइक नेवर बिफोर। सो हाउ टू प्रैक्टिस लाइक नेवर बिफोर, हाउ टू मेक आवर कैरेक्टर लाइक नेवर बिफोर, एंड हाउ टू बी डिवोटेड लाइक नेवर बिफोर। तो मेरी प्रार्थना है मालिक से कि हम सब लोग इसको अच्छी तरह से करें और उनके बनाए हुए मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। The intense abhyasi part of it, I wanted to know where I am. The second was that after nearly 2.5 years of this COVID and other things, this is the first time I was able to come after Bhandara to attend a program and be with brothers and sisters and discuss a lot of things informally. Now coming to this particular workshop for today and tomorrow, my intention is to know how am I, where am I, and how good I am feeling from within, and that's what is my objective of being here. And I look forward for a very great, good session. हाँ जी, मैं ये workshop ये सोच कर आई थी कि मेरा अभ्यास जो कि अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा deep और intense होगा ब्रदर की गाइडेंस। वैसे तो मैं बहुत सालों से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सहज मार्ग है वो बिल्कुल एक ओशन की तरह है, और उस ओशन में डाइव डीप करने के लिए जब जब इंटेंस अभ्यासी वर्कशॉप होगी, आई रियली ईगरली वुड लाइक टू अटेंड दिस वर्कशॉप अगेन। सो माय एक्सपेक्टेशन इज़ कि मैं और डाइव डीप कर सकूँ और कुछ पर्ल्स लेके निकल सकूँ। मैं एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट में थी पिछले 10-15 सालों से, और दिसंबर 20 में जब हार्टफुलनेस के टच में आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा फाइनल फेज़ ऑफ माय फाइनल माइलस्टोन ऑफ माय जर्नी मुझे मिल गई है, और यहीं से मैं फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी।
तभी से मैंने बहुत इंटेंसली ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी प्रैक्टिस को मैं करूँ, बट जैसे ही सुना कि देर इज़ अ प्रॉपर इंटेंस अभ्यासी कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में अगर ये है, तो ये नेक्स्ट नेचुरल नेक्स्ट कोर्स था कि मुझे ये करना ही है अटेंड, और किस तरह से मैं और अपने आप को एक बेटर अभ्यासी बना सकती हूँ कि मैं अपने प्रैक्टिस को परफेक्ट कर सकूँ। सो दैट वॉज इट कि मैं एक लर्निंग के एटीट्यूड से आई हूँ कि हाउ आई कैन इम्प्रूव एंड अपने प्रैक्टिस को मैं कैसे और आगे बढ़ा सकूँ, उसको और इंटेंस कैसे कर सकूँ और किस तरह से परफेक्शन ला सकूँ जिससे कि उस गोल तक मैं पहुँच सकूँ इजिली। आज इस वर्कशॉप में मैं इस पद्धति के बारे में और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए, ताकि मैं ठीक से और अच्छी तरह से ध्यान, सफाई, प्रार्थना, रात्रि 9 बजे की प्रार्थना कर सकूँ, और जो मेरा लक्ष्य है विलय, ईश्वर में विलय या मोक्ष, उसकी प्राप्ति करने में मुझे इससे सहायता मिलेगी, इससे मुझे ज्ञान मिलेगा। 2015 से हार्टफुलनेस ध्यान को कर रही हूँ। कोविड के टाइम के पहले मैं इसको बहुत अच्छे से किया करती थी, पर चूंकि कोविड आया हम सबकी ज़िंदगी जैसे सिमट के रह गई थी, तो वैसे मैं भी 4 दीवारी के अंदर इसको बहुत ही डिजिटल फॉर्म में किया करती थी। तो जब कोविड ख़त्म हुआ, उसका असर ख़त्म हुआ, तो मुझे था कि कहीं मेरा जो ध्यान है जो पहले हुआ करता था और उसके बाद जो मैं अब कर रही हूँ उसके अंदर एक तालमेल है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी तरह से डिजिटल हो गई हूँ। तो उसको जानने के लिए मुझे एक ऐसी वर्कशॉप में आना था जहाँ पर मैं लोगों से फेस टू फेस मिल सकूँ, उनके अनुभव जान सकूँ और अपने जो अनुभव है उनको मैं उनके अनुभवों को सुनकर ये चेक कर सकूँ कि वो रास्ते पर हैं या नहीं। नमस्कार। जब मुझे ये कॉल मिला लाइक देर इज़ अ वर्कशॉप ऑन इंटेंस अभ्यासी, आई वॉज सो हैप्पी टू अटेंड दैट, सो इमीडिएटली आई रजिस्टर्ड एंड आई ऑल्सो जस्ट वॉन्टेड टू नो वेर आई एम आफ्टर ऑल दिस लॉन्ग लॉन्ग डेज ऑफ कोविड एंड थिंग्स लाइक दैट, सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो हाउ एंड वेर आई एम सो एंड ऑल्सो मीट पीपल। इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करके और सबका पार्टिसिपेंट देख के बहुत मज़ा आया।
AEIOU वर्कशॉप में M1, M2, M3 जो हमारे मेडिटेशन ग्रुप्स हुए उसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना महसूसियत की, काफ़ी लर्निंग्स हुई। उसके बाद डिफरेंट सेशंस में जब चक्रा की बात हुई 0.1 to 13, उसमें लोगों ने काफ़ी उसको अपना महसूस किया। लोगों ने खुले दिल से, बड़े अपनेपन के भाव से और मालिक की याद में इस सेशन में पार्टिसिपेट किया और मुझे खुद काफ़ी अच्छा लग रहा है और दिल बहुत खुला हुआ लग रहा है और सबसे बड़ी वननेस और मालिक की याद और भी तीव्र हो रही है। हाय अगेन, डे टू एंड लास्ट टू डेज वाज जस्ट वंडरफुल एंड आई मीन लाइक आई हैव रीड दिस लिटरेचर, आई हैव गॉन थ्रू दिस, बीन प्रैक्टिसिंग अभ्यासी, बट आई हैव टू से दैट वंस इन अ व्हाइल एवरीबॉडी should come for such programs. I was really very spellbound by some of the things which I heard today and also yesterday. It was a great learning and I really look forward to be what Babaji wants us to be. आज की वर्कशॉप मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे दाजी तो बहुत फ्रीक्वेंटली और काफ़ी टाइम से हमें बता रहे हैं AEIOU के बारे में, तो आज प्रैक्टिकली हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तो दैट वाज रियली रियली गुड फॉर मी। एंड यात्रा, फिर से हमने फ्रेशन अप हो गए हम यात्रा के बारे में, और यात्रा के बारे में जितनी बार भी हम पढ़ लें, जितनी बार उसको महसूस करने की कोशिश करें उतना ही कम है। और फिर से ऋषि भाई ने 10 मैगजीन्स हमें फिर से रिमाइंड कराए, सो इट वॉज अ वंडरफुल। आज का सत्र बहुत अच्छा रहा, सुबह का भी और इधर लंच के बाद भी जो चीज़ें बताई गई उससे काफ़ी कुछ अनुभव हुआ, सीखा। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के सत्र बीच में होते रहने चाहिए ताकि अभ्यासी की प्रगति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। खासतौर से जो चक्रों के बारे में बताया, हृदय चक्र 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में विस्तार से बताया गया, फिर 13 पॉइंट तक ले गए वहाँ, फिर नीचे आए, ये सब चीज़ें हमारी अध्यात्म प्रगति के लिए बहुत अच्छी हैं। और मैं अनुरोध करूँगा और सुझाव मेरा है कि इस तरह के सत्र पुनः आयोजित हो। वर्कशॉप के लिए काफ़ी सारी उम्मीद लेकर आई थी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए थी, और एट द एंड ऑफ द डे आई एम हैप्पी दैट आई केम फॉर इट बिकॉज इट टॉट मी अ लॉट। स्पेशली देर वर मैनी ब्लॉक्स विच गॉट डिसमिस्टिफाइड बाय ऋषि भैया, एंड आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी इन माई प्रैक्टिस टू मेक इट मोर डीपर एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर मी, एंड आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे टू अदर पीपल एज वेल। आज के वर्कशॉप में मुझे AEIOU के बारे में समझ आया कि वो हमें क्यों करना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात ये कि और भी कई फंडामेंटल थिंग्स सो क्लियर हो गई। ये सेशन मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा कि जो सोच कर आए थे कि मिलेगा कुछ उससे ज़्यादा ही मैं लेकर के जा रही हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, अभ्यास कैसे करना है वो और ज़्यादा परिष्कृत हुआ जो हम कर रहे थे, और बहुत सारी जो ख्याल थे, जो आते थे ख्याल, जो हम सोचते थे उनके जवाब मिले, जो सवाल मन में उठते थे अभ्यास के दौरान बहुत सारे ऐसे जवाब मिले। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एलोरकम इन अनपांत वनकम। Actually, today's Rishi Ranjan Bhaiya's workshop was very interesting. It took deep into the sadhana, and he explained very much about AEIOU and all the points and also the maxims. It was very interesting, very informative. Thank you.